मां की डांट से नाराज होकर एक भाई बहन ने घर छोड़ने का फैसला लिया। दरअसल पढ़ाई में कमजोर होता देख मां ने बच्चों को डांट लगा दी थी, जिसके बाद ट्यूशन का बहाना देकर बच्चों ने अपना घर छोड़ दिया। पीड़ित माता पिता अपने बच्चों की तलाश के लिए डर डर भटक रहे हैं, लेकिन अब तक मासूमों का कहीं कोई पता नहीं चल सका है। बेबस माँ की पुकार, लौट आओ मेरे लाल, पथरा गई माँ की आंखें, किसी ने देखा क्या मासूमों को, इन आंखों में बेबसी है और दिल में एक अजीब सी घबराहट, माँ को समझ में नहीं आ रहा कि करे तो क्या करे। अपनी ही औलादों से पूछे गए चंद सवाल दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा ले जाएंगे, ये उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उसे दूर दूर तक इस बात का अंदेशा नहीं था कि पढ़ाई में थोड़े कमजोर पड़ रहे बच्चों को थोड़ी सी नसीहत और ताकीद देना उनके घर छोड़ के चले जाने का सबब बन सकता है, जो इस परिवार का सुकून छीन सकता है। तस्वीरों में दिख रहा ये परिवार गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर 6 के निवासी जिनमें राय का है, जिनकी टीना राय नाम की 10 साल की एक बेटी है और 12 साल का बेटा अंकित राय है। दोनों दिल्ली के स्वास्थ्य विहार के स्कूल बाल विद्या भवन में पढ़ते हैं। टीना 6 में है और अंकित 8 क्लास का स्टूडेंट है। शनिवार को स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान टीचर ने बच्चों के परफॉर्मेंस को लेकर बच्चों की मां से उनकी शिकायत की, जिस पर मां ने मासूमों को डांट लगा दी। लेकिन मां की डांट से बच्चे इस कदर नाराज हो गए कि ट्यूशन के बहाने घर से निकले बच्चे घर को वापस लौट के ना आए। बच्चों की गुमशुदगी की खबर रखते ही आसपास के सभी इलाकों को छान लिया गया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। वही जब रोज बच्चे घर से ट्यूशन की बात कहकर निकलते थे, उस रोज बच्चे ट्यूशन भी नहीं पहुंचे। परेशान माता पिता ने तमाम दोस्त और नाते रिश्तेदारों को फोन किया, लेकिन दोनों का कोई पता नहीं चल सका। को भी मामले की इत्तला दे दी गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, लेकिन दोनों का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है,
बच्चों के माता पिता का दिल बैठा जा रहा है। माँ बाप अपने बच्चों से बस यही विनती कर रहे हैं कि वो जहाँ भी हैं घर वापस लौट आए। गाजियाबाद से जितेंद्र भाटी, प्राइम न्यूज़।